हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शुमाइला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपनी बेटी को लेके इसकी खाला की तरफ, पहली दफ़ा जब से ये माशाल्लाह पैदा हुई है। और आज मेरी बहन ने हमें इनवाइट किया हुआ है इफ्तारी पे, तो चले वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। इफ्तारी से तकरीबन 2 घंटे पहले हम लोग घर से निकले। यहाँ पे जो इफ्तार है वो होता है तकरीबन 7 बजे के आसपास, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5। जब से माशाल्लाह हमारी बेटी हुई है, हम इसको कहीं नहीं लेके निकले। सिर्फ हम जाते रहे हैं इसको लेके डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पे। उसके अलावा एक बार इसको पासपोर्ट बनाने हम लोग बाहर लेके गए, बाकी सारा टाइम ये हमारे साथ घर पे ही रही। अब हम स्टक हो गए हैं थोड़ी सी ट्रैफिक में, क्योंकि रश आवर में शाम में या सुबह में यहाँ पे बहुत ट्रैफिक। यहाँ पे अभी मार्च का मिड है और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ चुकी है। अभी आजकल अर्ली स्प्रिंग के दिन चल रहे हैं और ये देखें, सबसे पहले यहाँ पे डैफोडिल्स खिलते हैं, उसके बाद बारी आती है ट्यूलिप्स की। तो ये खूबसूरत से फूल इनके घर के बाहर हैं। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह आ रही हैं हमारी प्रिंसेस। गाड़ी में बैठते ही इनको आ गई थी नींद, तो अभी ये सो रही हैं। ये देखें जी, इनकी माशाल्लाह से तैयारियाँ। जलेबियों की ट्रे पहले से ही बना के इन्होंने रख दी हैं। ये जलेबियाँ बाय द वे होममेड हैं। और यहाँ पे खूबसूरत प्रेजेंटेशन दही बड़ों की। ये सब चीज़ें जो भी आप आगे देखेंगे, ये सब होममेड हैं एंड दे मेड फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे मिर्च के पकोड़े बन रहे हैं, ये बड़ी वाली जो मिर्च होती है उसके। ये देखें जी, ये साथ ही रखा हुआ है पकोड़ों का बैटर। ये देखें पकोड़े बना रहे हैं। आलू है इसमें, प्याज, पालक, ये सारी वेजिटेबल डाल के, तो साथ ही इसमें मिर्चों के साथ अब रेगुलर पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। ये देखेंगे क्रिस्पीनेस, इनके घर के पकौड़े माशाल्लाह बड़े ही मज़ेदार और क्रिस्पी होते हैं, ऐसे तो बाजार से नहीं मिलते। ये देखिए माशाल्लाह, इन्होंने रोल, समोसे, पकौड़े और ये पता नहीं, ये आई थिंक चिकन है, सब माशाल्लाह प्रिपेयर करके तो ओवन में रखा हुआ ताकि सब गर्म रहे। ये देखिए यहाँ पे खजूरें इन्होंने नट्स डाल के और कोकोनट पाउडर डाल के खुद से फिल करके रखी हुई थी और ये बहुत मज़े की थी। What are you doing? Huh? What are you doing?
नहीं फिक्र ना करे, काले नहीं होने देंगे हम। चलो ये बन गए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चिकन की बिरयानी बनाई है आपने? हाँ जी। वाह मेरीन समोसे पकौड़े रोल चिकन दही बड़े चावल। अच्छा मुझे लगता है इसमें ज़ाफ़रान भी डाला, खुशबू आ रही है। जी जी ऑफ कोर्स, वो तो आपको पता मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा वाह, मटन बिरयानी का और काफी सारे मीठा भी डलता है। देखिए जी कितने मजे के लग रहे हैं, बिल्कुल भी भुरे हुए नहीं है, ऐसे खिले खिले ऐसे लग रहे हैं, ऐसे देख के पुलाओ वो हो ना बिरयानी। सॉरी कलर भी बहुत अच्छा आया। अच्छा बिरयानी में ना व्हाइट चावल अच्छे लगते हैं, बिल्कुल कलर किए हुए भी अच्छे नहीं लगते। ये व्हाइट हो ना येलो व्हाइट है ना थोड़ी सी, हाँ सही बात है, बिल्कुल वो पुलाव लगती है। अच्छा ये भी बैलेंस रखना पड़ता है कलर डालते हुए, ज़्यादा कलर हो जाए तो तब भी काफ़ी पीले हो जाते हैं चावल। जी जी इसको हम स्प्रे में निकाल रहे हैं। ये देखें बिरयानी की खुशबू से बच्चे भी आ रहे हैं। आ जाओ बिरयानी खा लो, आ जाओ बिरयानी खा लो। आप नहीं मानना बेटा, नहीं हुई प्लेट में ताले खाली खाली ले रखो। ये भी आप कर देंगे। इफ्तारी करने के बाद फिर बच्चों ने और बड़ों ने जमात करवाई और सबने नमाज पढ़ी। ये देखें ये आराम से सो रही है, खाला के घर आज पहली दफ़ा आई है। घर पे काफ़ी और भी बच्चे जमा थे जो शोर कर रहे थे, जिससे ये जाग भी रही थी बीच में।